सबसे पहले सबको खुलमखा चिबाए, जो दूसरे कम्युनिटी से आए हैं, जुजू, नदमो और क्या था, हाँ, नमेंगा, गारो का, सब लोगों को आज हस्म पूजन है। और यहाँ में आप लोग जो सब सीनियर्स हैं, मैं उनको दो तीन बात बोलना चाहता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बात बोलना चाहता हूँ। इसके बाद आप सबके लिए यहाँ में खाने के लिए हमने पूरा आयोजन भी किया है। प्लीज़ जाने से पहले अपने कामी में यहाँ में कुछ खा के जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज दशमी के दिन हम लोग ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और आपको मैं दो तीन चीज़ बात बोलने वाला हूँ और ये दिल से बात बोलने वाला हूँ। आपने देखा है कि मैंने कोई भाषण प्रिपेयर नहीं किया। वीरेंद्र बोलने से पहले हमसे बात भी नहीं हुआ। आपका जो भी बात आपने रखा है, ठीक बात रखा है। आज आपने मालंच निवास में बात किया कि मालंच निवास में थोड़ा जमीन मिलना चाहिए। वीरेंद्र, शायद आपको मालूम नहीं, मालंच निवास भी बुभागरा के नाम में नहीं, क्योंकि ये हमारा परिस्थिति है कि 1974 के बाद भी जब मैं पैदा हुआ तो सीलिंग के बाद मैं पैदा हुआ, TLR एक्ट के बाद मैं पैदा हुआ। तो क्योंकि मेरा जन्म 1974 के बाद हुआ है, TLR एक्ट के बाद, तो जो भी जमीन था यहाँ में, अमित है, अमित जानेगा, हम लोग के नाम में नहीं है, गवर्नमेंट ने ले लिया। आज मेरे नाम में सिर्फ ये है, वो भी बाद में मिला, और कोई जमीन नहीं। ये दुख का बात है कि मालंच निवास में राज्य सरकार ने टेनिस क्लब को जमीन दे दिया, बुभागरा का मालंच निवास लेके, और टेनिस एसोसिएशन दे दिया। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि अपना तिपरासा को जमीन दो, तो बोलते हैं कि वो आपका जमीन नहीं है। ये सच बात है। लेकिन दूसरा बात, आपने कहा कि ADC सरकार, उसमें हमारा कुछ रोल है। और मैं सबके सामने, मेरे CM भी यहां में है, मेरे विजय बाबू भी यहां में है, मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि हमने अपने ADC गवर्नमेंट में एक डिसीजन ले लिया है कि 20 के 20 दोफा को खुमुलुंग में, खुमुलुंग के पास हर दोफा को, हर कम्युनिटी को 10 गंडा जमीन दिया जाएगा। अभी पूजा का छुट्टी है, उसके बाद ये हम लोग, हाँ, ये पास हो चुका है। और 10 गंडा हर समाज को दिया जाएगा। वहां में आप लोग अपना ऑफिस बनाइए, अपना रेस्ट हाउस बनाइए, आपका प्रोग्राम होना चाहिए। खुमुलुंग आप सबका है, और ADC के पास ज्यादा पावर नहीं है, फाइनेंशियल पावर नहीं है, ADC के पास रंग इतना नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे सरकार में हमने सोचा है कि आपको हर समाज को 10-10 गंडा जमीन दिया जाए। और मेरा एक कोशिश भी रहेगा कि अगरतला में एक गवर्नमेंट को से हम लोग दरख्वास्त करके, डिमांड करके, एक आपने 10 गंडा मांगा, हम तो बोलता है कि एटलीस्ट 10 कानी जमीन मांगना चाहिए, जहां में अपना कल्चरल सेंटर हो, जहां में अगर तिपरासा को अगरतला में कोई प्रोग्राम करना हो तो उसका एक हॉल होना चाहिए, जहां में हमको अगर अपना कल्चर, हमारा मीटिंग करना है तो हमारा एक जगह होना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें मिलने के लिए अगरतला में कोई 2 इंच जमीन भी नहीं देगा। इसके लिए ये हमारा डिमांड रहना चाहिए
कि अगरतला में हम लोगों को मिनिमम 10 कानी जमीन मिलना चाहिए, जहां में हम लोग अपना दोहा को, अपना कल्चर को, अपना जो सिस्टम है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सके। एडीसी से अगर 20 कम्युनिटी को 10 गंडा मिल रहा है तो वो भी काफी अच्छा है। मैंने अपने सीईओ से भी बात किया है और ये आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपको, किसको क्या मिलेगा उसके लिए आप झगड़ा मत कीजिए, जगह पहले ले लीजिए, क्योंकि कल अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कि कौन किसका ग्रुप का है, कौन किसका दोस्त है। मैं जानता हूं कि आप लोग तिपरासा है और तिपरासा को आज बुबागरा कुछ दे रहा है, आप लोग ले लो, कल बुबागरा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो जल्द से जल्द ये आप लोग प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने एक चीज देखा है और आज हस्म भोजन है। आज मैं सुब्राई से, बाबा गौरिया से, सांग्रोमा से, भगवान से प्रार्थना करता हूं, कोई भी हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, यहां में हमारे मोग है, चाकमा है, कोई भी हो, मैं सिर्फ एक ही चीज प्रार्थना करता हूं कि आज हमारा जो सर्वाइवल है और एग्जिस्टेंस है उसके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए। मैंने एक प्रॉब्लम अपने तिपरासा सोसाइटी में देखा है। हम लोग पॉलिटिक्स को दोहा से ज्यादा प्यार करते हैं। आज ये जो परिस्थिति हमारा है, क्योंकि हमने राजनीति को दोहा से ज्यादा ऊपर रखा है। हस्म भोजन के दिन, दशमी के दिन, हौजागिरी के दिन, केर खार्ची के दिन, त्रिंग के समय, कोई भी हमारा बुइसु हो उसके समय हमें अपने बीच में डिस्कशन करना चाहिए कि 70 साल से हमने पॉलिटिक्स किया, हम हारे, क्योंकि पॉलिटिक्स ने थानसा को तोड़ा। पॉलिटिक्स ने, जैसे हमारा जमातिया होदा ने बनाया, पॉलिटिक्स ने हमें देव बर्मा, जमातिया, रांगखोल, रियांग, उच्चोई, कोलोय बनाया। पॉलिटिक्स ने हमारा डिवाइड एंड रूल किया। यहां में आप लोग सीनियर लोग हैं, यहां में बीके रांगखोल भी है, मुझे बीके रांगखोल अभी आए। मेरा दिल का एक बात है, आज जो हमारा संघर्ष है, ये संघर्ष राजनीति से नहीं होगा, खत्म। आज अगर विजय बाबू ने टीएनबी के संग गवर्नमेंट से अकॉर्ड साइन किया तो एटीटीएफ निकला, एटीटीएफ को साइन किया तो एनएलएफटी निकला, एनएलएफटी से साइन किया तो आईपीएफटी निकला, आईपीएफटी से गवर्नमेंट ने कुछ साइन किया तो तिपरा मोथा निकला, कल तिपरा मोथा कुछ अग्री करेगा तो कोई और निकले। इसके लिए मैं काउंसिल ऑफ तिपरा होदा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग होने से सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को साइन नहीं करना पड़ेगा, समाजपति को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे नागालैंड में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी लोग बात नहीं करता, पूरा हो बात करता है। मैं आपको अपील कर रहा हूं, आज बुबागरा है, कल मैं नहीं रहूंगा, इसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक साइन नहीं देखना चाहता हूं, मैं दोहा को अग्री करना पड़ेगा कि हमारा भविष्य में हमको क्या चाहिए। महाराजा आज नहीं है इस देश में, आप लोग के दिल में हो सकता है, लेकिन गणतंत्रता में महाराजा नहीं है। लेकिन सिर्फ महाराजा बोलने से कोई महाराजा नहीं बनता है, राजा का जितना बड़ा दिल भी होना चाहिए। और जिसका दिल बड़ा होगा, जिसका सोच, जिसका थिंकिंग बड़ा होगा, वही
थानसा ला सकता है, जिसका सोच सिर्फ एक कम्युनिटी में फंसा हो, जिसका दिल ग्रुपिज्म करता हो, जिसको दोफा से ज्यादा पैसे का प्यार है, जिसको दोफा से ज्यादा पोस्ट का प्यार है, वो तीपरा सा सोसाइटी का भला नहीं कर सकता। यहां में आप लोग आए हैं, मैं आपको नहीं पूछूंगा कि आप किसके साथ, मैं आपको सिर्फ निवेदन करूंगा कि आप का आप अपने हा के साथ है कि नहीं। आज आप मत भूलो, जो लोग पावर, पोजीशन और रंग के पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं, वो तीपरासा को कभी सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। लेकिन जो लोग को पैसा, पावर और पोजीशन नहीं खरीद सकता है, नहीं बेच सकता है, वही हमारा तीपरासा का सोल्यूशन लेके आएगा। यहां में बहुत सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग सब लीडर्स हैं, आप लोग समाजपति हैं, आप लोग ओकरा है, आप लोग होदा है, आप लोग कास्काओ है, आप लोग चौधरी है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, ये सब टाइटल का मतलब तभी होता है जब अपना तीपरासा को कुछ मिलता है। अगर तीपरासा के पास कुछ नहीं है तो हम लोग ये टाइटल रख के क्या करें, हम लोग ये नाम रख के क्या करें। मैं बुबागरा क्या बुबागरा जब मैं अपना तीपरासा को कुछ नहीं दे सकता। मैं मंत्री तो क्या मंत्री कि अपने तीपरासा को कुछ नहीं दे सकता। तो ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप दोफा को चलाएं। मैंने बहुत कोशिश किया, यहां में लिस्ट भी है, हमने समाजपति को ऑनरेरियम दिया, लेकिन कहीं मैं आपके बीच में डिफरेंस, मैं क्या करूं। कोई आके बोलता है कि मैं रियांग का लीडर हूं, कोई बोलता है ये लीडर नहीं है, मैं हूं। कोई आके बोलता है कि मैं देव वर्मा का लीडर हूं, ये नहीं है, वो आके बोलता है कि मैं। बुभागरा क्या करे, आप भी बुभागरा का बच्चा है, आप भी बुभागरा का बच्चा, मैं दोनों को प्यार करता हूं। प्रॉब्लम है कि आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो। प्रॉब्लम बुभागरा में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम लोग एक दूसरे के संग जलते हैं। हमको घमंड है, एरोगेंस है, ईगो है। पहले तीपरासा का कुछ कर ले, उसके बाद झगड़ा करो। तो मेरा ये निवेदन है कि कुछ भी डिसीजन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बुलाए तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को बुलाने से कुछ नहीं हो, दोफा को बुलाना पड़ेगा, दोफा को मानना पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल पार्टी को साइन करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बंद करना पड़ेगा। अगर कभी को किसी को निमंत्रण करना है तो यहां में काउंसिल ऑफ तीपरासा होदाज है, आप लोग सब समाजपति है, आप लोग डिसाइड कीजिए कौन जाएगा। और बुबागरा अकेला दिल्ली नहीं जाएगा, आप लोगों के संग जाएगा, सिर्फ पॉलिटिशियन को लेके नहीं जाएगा, आप लोगों के संग जाएगा। अगर आप लोग को लगता है ठीक है तब बात करेंगे, अगर आप लोग को लगता है ठीक नहीं है, नहीं बात होगा। ये मैंने नागालैंड से सीखा, ये मैंने मिजोरम से सीखा, और हमको भी किसी और से सीखना चाहिए। थानसा का मतलब पावर नहीं है, थानसा का मतलब एकता है। और यहां में जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, पीपल लाइक विजय रंगखोल, अनंत बाबू आप है, कमल आप लोग है, हंसो है, वहां में भी आप लोग भी समाज, आप लोग सब लीडर्स हैं। मैं आपको मीडिया के सामने भी बोलूंगा,
मीडिया में भी लीडर्स है कोई कोई लोग। मैं आपको एक बात बोलूंगा और ये आप मेरा आवाज सब तिपरासा के पास ले जाओ। तिपरासा बहुत अच्छा है, तिपरासा जो गांव में रहता है ना उनका दिल बहुत सफा है। तिपरासा लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है, सीधा है। प्रॉब्लम हम लोगों के नेता में, प्रॉब्लम हम लोगों का लीडर में, जो हमेशा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते करते अपना बारे सोचते सोचते हमने अपना तिपरासा का जमीन, अधिकार, राइट्स, सर्वाइवल को आस्ते आस्ते हमने किसी और को दे दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं कि और कितना समय हम लोग लड़ पाएंगे, लेकिन अगर थानसा रहा, अगर आपने 4-5 महीना अपने बारे नहीं सोचा, अपने तिपरासा के बारे सोचा, उनके एक बार जाके उनके आंख में देख के आओ, वो तिपरासा क्या चाहता है, वो तिपरासा के दिल में क्या है, पहले उनके आंख में देख के आओ, उसके बाद अपने बारे सोचो। किसी को कुछ नहीं मिलेगा अगर हम लोग सब चीज को पॉलिटिक्स करके आए। डिमांड सबका एक ही है कि हमको कुछ और चाहिए, हमको सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए अधिकार चाहिए, सबका डिमांड एक ही है। लेकिन यह आवाज अलग अलग प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म में आकर एक आवाज में बात करेंगे तो कुछ मिलेगा। मैं सबको यहां में काउंसिल ऑफ तिपरासा होदास को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये साल मैंने कहा कि कोई आप लोग खुद कीजिए ये प्रोग्राम, और आपने कितना सुंदर से ये प्रोग्राम किया। ये जो आप लोग ने जो प्यार दिया है ना हमको यहां में, इसमें पैसा नहीं है, इसमें कोई सोना नहीं है, चांदी नहीं है। किसी ने गांव से झूम का भात लाया है, माए लाया है, किसी ने थोड़ा सा सब्जी लाया है, किसी ने, ये क्या है, इसका आप तुलना पैसा से नहीं कर सकता। इसका जो आप कंपैरिजन है, यू कैन नॉट कंपेयर इट टू गोल्ड एंड सिल्वर, यू कैन कंपेयर इट टू योर हार्ट। ये जो सम्मान और प्यार आप लोग देता है ना, ये सिर्फ बुबागरा समझ सकता है, कोई नेता एमडीसी नहीं समझ सकता। आज जो मैंने बात किया है इसमें कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लीडर्स को खराब लग सकता है कि मैं दोफा को ऊपर उठा रहा हूं, पॉलिटिशियन को ऊपर नहीं उठा रहा हूं। लेकिन जो सोसाइटी में दोफा ऊपर है और पॉलिटिक्स नीचे है, वो सोसाइटी आगे बढ़ता है। और जो सोसाइटी में सिर्फ पॉलिटिशियन और नेता लोग, यहां में अच्छे लोग भी है, बहुत है, हम आप लोग का किसी का बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग अपना दोफा से बड़ा नहीं बन सकते। फैसिलिटी लेके हम लोग अपना दोफा से बड़ा नहीं बन सकते। तो जैसे मैंने कहा, काउंसिल ऑफ तिपरासा होदास को मैं, आप लोग भी अपने बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लाइए। खुमुलुंग में तो 10 गंडा जमीन देंगे, अगरतला में भी देंगे, और बीरेंद्र बाबू 10 गंडा से कुछ नहीं होगा, 10 कानी अगरतला में मिलना चाहिए। ये गुरखा बस्ती में बुबागरा का परिवार का नाम में 35 कानी जमीन है,
एक इंच भी जमीन नहीं है, पूरा ऑक्यूपाई करके रखा है। आज भी बुबागरा के नाम में है, बुबागरा मतलब मेरे पिताजी, मेरा मौसी के नाम में है। आज भी एक इंच जमीन के लिए भी परमिशन नहीं देता है। ये जमीन हम लोगों का है और गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि हम लोगों को बारे भी वो लोग फिक्र करे और अगर कोई भी बात होगा दिल्ली में, कोई भी अंडरस्टैंडिंग होगा दिल्ली में, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करेगा। अब से तीपरा सा दोफा का जो समाजपति का जो भी आप लोगों का काउंसिल है, जो भी आप लोगों का नेता लोग है, लीडर है, सरदार है, चौधरी है, हदा है, उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपके नॉलेज में भी होना चाहिए कि आप लोगों का भविष्य के बारे कौन क्या बात कर रहा है। और अगर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया कि नहीं, हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात करेगा, दफा से बात नहीं करेगा, तो यहां में जब तक बुबागरा है, बुबागरा बात नहीं करेगा, आपको दफा को भी लेके बात करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग मरेंगे ना, आपने शमशान महाराज का बात किया था, आपने महात्मा गांधी मेमोरियल बात किया, आपने इंदिरा गांधी का मेमोरियल का बात किया, अगरतला में इंदिरा गांधी का मेमोरियल, लेकिन आज त्रिपुरा में क्या है, अगरतला में क्या है, क्यों है? अगर आज समाजपति होता ना यहां में इंचार्ज, तो ये नहीं होता। तो मैं आपको थानसा का मतलब भाषण देने से नहीं है, थानसा आपके दिल के अंदर होना चाहिए। थानसा एक शब्द है, लेकिन शब्द से बड़ा एक सोच है। हम लोग बुकुंग वाला लोगों को समझना पड़ेगा कि थानसा से क्या नहीं मिल सकता। आज ये जो हमारा तिपरासा का डिमांड है, कल्चर के लिए है, आइडेंटिटी के लिए है, हा के लिए है और अपना भविष्य के लिए। आज विजयदशमी है, लेकिन विजय तब प्राप्त होगा जब हम लोग एक आवाज में अपने तिपरासा, अपना भविष्य के लिए, अपना सिकला सिकली के लिए, अपना हा के लिए, अपना नेक्स्ट जेनरेशन के लिए कुछ लेके आए। और लास्ट में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरे लिए कुछ मत करो, सिर्फ आप लोग एक होके रहो। आप लोग सब जानता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मेरा विधि आपका थानसा है, कोई आईएलएस से कोई दवाई नहीं है, आप लोग का थानसा ही मेरा विधि। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, मैं बहुत प्यार करता हूं आपको, एंड आई वॉन्ट टू थैंक द काउंसिल ऑफ तिपरासा हदास, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया। प्लीज आप लोग यहां में, अब इसके बाद इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी था, अब इसके बाद आप लोग कुछ खाइए। और जो मेरा मैसेज है, इस मैसेज में कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इस मैसेज में आपका पावर है, ये आप जाके गांव में बोलिए। मीडिया, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया सच को झूठ बना सकता है, झूठ को सच बना सकता है। मैं सिर्फ एक ही बात रेकमेंड करूंगा कि कभी कभी सच को सच दिखा दो। तिपरासा लोग बहुत सिंपल है, हमने फिर से कहा, प्रॉब्लम तिपरासा में नहीं है, हमारा तिपरासा बहुत अच्छा है, सिंपल है, ईमानदार है, चोर नहीं है। लीडर को थोड़ा ठीक करना है, और लीडर को ठीक सिर्फ समाज कर सकता है।
लीडर पर, लीडर कभी ठीक नहीं करेगा, समाज करेगा। समाज का एक दायित्व तो बनता है कि अपना लीडर को लाइन में रखे, और लाइन में लीडर तभी आएगा जब आप लोगों का थानसा रहेगा। बेलाई बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, थैंक यू, खुलुंखा पात्रुत्रु।